हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ओनली वेज रसोई। आई होप यू ऑल आर वेल। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ कुरकुरी भिंडी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगती है और इसे बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। बच्चों से लेकर बड़ों तक को सभी को बहुत पसंद आएगी। तो अगर आपने अभी तक इस रेसिपी को ट्राई नहीं किया है तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। आई एम श्योर कि आपको और आपकी पूरी फैमिली को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए फटाफट से इस रेसिपी को देख लेते हैं। कुरकुरे भिंडी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले भिंडी लिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 200 ग्राम की भिंडी लिए हुए हैं, जिसे मैंने अच्छे से धो करके साफ़ कर लिया है। तो सबसे पहले हमें भिंडी को कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने एक भिंडी लिया और इसके दोनों साइड्स को कुछ इस तरीके से कट करके हटा देना है, और इसके बाद इसे बीच से कट करके और हमें भिंडी को कुछ इस तरीके से कट करना है। फ्रेंड्स, भिंडी को कट करने वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप भिंडी को कट करें तो आप इसे जितना पतला हो सके आप उसे उतना पतला ही कट करें, और इसके अलावा उसके अंदर का जितना भी पार्ट हो उसे हमें नहीं लेना है, तो आप उसे साइड में निकालते जाए कुछ इस तरीके से। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमें अपनी बाकी सभी भिंडी को भी कट करके और रेडी कर लेना है। तो फ्रेंड्स, भिंडी को कट करके मैंने एक बोल में ले लिया है और अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे आधी छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर ऐड किया है। इसके अलावा मैं इसमें धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ आधी छोटी चम्मच, साथ ही मैं इसमें जीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ आधी छोटी चम्मच। इसके अलावा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चाट मसाला आधी छोटी चम्मच। आप चाहें तो इसके जगह पर नींबू के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही मैं ज़रा सा लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। नमक हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार, और बस इसके अलावा इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर ज़रा सा। तो मैंने यहाँ पे 1/4 छोटी चम्मच ऐड कर दिया है। बस इसे बिल्कुल अच्छे से कुछ इस तरीके से मिला देंगे ताकि जितने भी मसाले हैं वो भिंडी में बिल्कुल अच्छी तरीके से कोट हो जाए, अच्छे से आपस में मिलजुल जाए। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बेसन। तो फ्रेंड्स, एक बार में ही ढेर सारा बेसन ऐड नहीं कर देंगे। मैंने यहाँ पर अभी 2 चम्मच बेसन ऐड किया है। आपने जिस क्वांटिटी में भिंडी ली हुई है उस क्वांटिटी के अनुसार आप उसमें डाल लें। इसे अच्छे से भिंडी में मिक्स कर लें, और फिर अगर आपको लगे कि आपको और ज़रूरत है तो ही आप उसमें और बेसन ऐड करें। तो बस इसे बिल्कुल अच्छे से कुछ इस तरीके से मिला लिया है हमने, और ये जो हमारी भिंडी है बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि इसे 10 मिनट के लिए हम इसी तरीके से छोड़ देंगे ताकि सारी चीज़ें आपस में ना अच्छे से मिलजुल जाए। तो फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ पर अपनी भिंडी को फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। फ्रेंड्स, हमें इसके लिए तेल बिल्कुल गर्म चाहिए। तो यहाँ पे हमारा तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका है। तब हम क्या करेंगे कि हमारा जो भी भिंडी है वो हम कुछ इस तरीके से उसमें डालते जाएंगे। ये देखिए, कुछ इस तरीके से हमें इसमें तेल में डालना है। फ्रेंड्स, एक बार में ज़्यादा नहीं भरे, आपकी कढ़ाई में जितना स्पेस हो आप एक बार में उतना ही भिंडी ऐड करें, और बस इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें इसे अच्छे से भुनना है। फ्रेंड्स, क्योंकि इसका नाम है कुरकुरी भिंडी तो हमें इसे बिल्कुल अच्छे से कुरकुरी होने तक तल लेना है। तो इसे जब हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे रखेंगे तो हमारी जो भिंडी जो फ्राई होगी वो बिल्कुल कुरकुरी अच्छे से होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी जो भिंडी है वो फ्राई होना शुरू हो चुकी है। तो अब हम इसे तब तक बिल्कुल अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक ये बिल्कुल कम्प्लीटली पक ना जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा ये जो पहला बैच है ना कुरकुरी भिंडी, ये बिल्कुल अच्छे से फ्राई होकर रेडी हो चुका है। तो हम काम कर लेते हैं कि हम इसे निकाल के साइड कर लेते हैं, और बिल्कुल इसी तरीके से बाकी सभी जो हमारे भिंडी हैं उन्हें हम फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी कुरकुरी भिंडी बन के तैयार हो चुकी है। फ्रेंड्स, इसे बनाने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ही कम टाइम में बन के रेडी हो जाता है, और आप इसे दाल चावल के साथ भी इंजॉय कर सकते हो, रोटी वगैरह के साथ भी इंजॉय कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगती है। आई होप आप सभी को रेसिपी पसंद आई हो। अगर रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले ऐसे ही मज़ेदार रेसिपीज़ को देखने के लिए हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस आपसे मिस ना होती रहे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इसका आवाज़ सुनाती हूँ कि ये कितनी कुरकुरी बनी है। तो यहाँ पे आप सुन सकते हैं कि हमारी जो कुरकुरी भिंडी है बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी बनी है। मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। आई होप कि आप सभी को बहुत पसंद आए। तो आप सभी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और साथ में आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो मिलती हूँ ऐसी ही किसी दूसरी मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।